हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए एक शॉर्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके संक्षिप्त कार्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होती है, इसके बारे में कई बार आपसे टिप्पणी करने के लिए कहता है। तो आइए छोटी सी नोट से देखते हैं कि किस प्रकार से इसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि NCERT होता क्या है, ठीक है, और NCERT की स्थापना कब हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो क्या कार्य करता है, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। NCERT की ही सलाह थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया, और NCERT की ही सलाह थी कि नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 की निर्माण किया गया था। तो NCERT क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार को सहायता और सलाह देता है, किस लिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए और नीति और कार्यक्रम में बदलाव के लिए NCERT केंद्र और राज्य सरकार को क्या करता है, सुझाव करता है। ये हो गई NCERT के बारे में। अब आइए कुछ देखते हैं कि NCERT के और अन्य कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम में आयोजित करना, मतलब शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, उनके कोर्सेज क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें NCERT सलाह देता है। और शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज के प्रशासन की निगरानी करना, बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च को प्रमोट करना, संगठित करना रिसर्च को, और उस संगठित को क्या करना, बढ़ावा देना, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार, समन्वय करना, एक कनेक्शन बनाए रखना NCERT के कुछ प्रमुख कार्यों में से एक है। एंड देखेंगे छात्रों और संबंधित शिक्षक की हैंडबुक, मतलब नोट्स बुक, टेक्स्ट बुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना। NCERT के बुक्स भी प्रकाशित होते हैं, तो ये क्या होता है, टेक्स्ट बुक और हैंडबुक क्या करना, अध्ययन सामग्री तैयार करना और उनका प्रकाशन करना NCERT का कार्य होता है। और दोस्तों, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है, किसी भी सिविल सर्विस में जाने के लिए आपको NCERT का सिलेबस जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब NCERT कुछ मुख्य उद्देश्य देखते हैं, इन सभी कार्यों का मकसद क्या होता है, क्यों ये सारे कार्य किए जाते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो भी देश की शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव होता है वो NCERT के द्वारा किया जाता है, और पूरे देश में भी NCERT के द्वारा ही उसको लाया जाता है ताकि शिक्षा का विकास हो सके। तो देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों को लागू करना तथा देश के विकास में सहयोग करना NCERT का कार्य होता है। देश की शिक्षा संस्थान और शिक्षा विभागों में तथा विद्यालय और सरकारी संगठनों में सहयोग करना NCERT का मुख्य उद्देश्य है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए खोजों को बढ़ावा देना तथा सहायता करना, और स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, मॉडल शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिका का प्रकाशित भी NCERT के प्रमुख उद्देश्य हैं। और विद्यालय में नए प्रकार के शैक्षिक तकनीकी और साहित्य प्रथाओं का प्रचार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूल में शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना NCERT के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। NCERT का उद्देश्य लड़कियों की बाल शिक्षा में सुधार करना, NCERT के आने से अब छात्रों के विचारों में सुधार होंगे, और NCERT के आने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि शिक्षकों के विचारों में भी सुधार करना है, ठीक है। तो ये हो गई NCERT के कुछ उद्देश्य। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, NCERT के मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाएं मतलब NCERT के अंदर कुछ शाखाएं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE जो कि न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIET जो न्यू दिल्ली में है, इसके अलावा भी हर एक क्षेत्र में रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि अजमेर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भुवनेश्वर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हिंदी में बात करें तो NIE को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, अब क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, मैसूर और अजमेर की बात की जा रही है, पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग। तो ये दोस्तों, ये हो गए प्रमुख NCERT की मुख्य शाखाएं। हमने देखा NCERT के मुख्य उद्देश्य। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए ताकि
कि जब आप अपने शब्दों में लिखें तो इन पॉइंट्स की मदद से आपके आंसर्स और अच्छे हों। एनसीईआरटी के मुख्य कार्य के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने जाना एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, यह एक शैक्षिक अनुसंधान है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिससे आप अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।